हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास थ्री SST में आज हम लोग 7 लेसन पढ़ेंगे। सभी लोग आप लोग ध्यान देंगे। 7 लेसन में इंडियन फूड के बारे में पढ़ना है, जो हम लोग अपने देश में भोजन करते हैं, आज उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। की पॉइंट्स: पॉपुलर फूड ग्रैंड्स इन इंडिया, स्वीट्स एंड फ्रूट, स्पाइसेज, ऑयल्स। वी ऑल नीड फूड टू लिव। हम सभी लोग जानते हैं कि जीने के लिए हम लोगों को भोजन की ज़रूरत पड़ती है। पीपुल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री प्रोड्यूस एंड ईट वेरियस पार्ट ऑफ फूड। लोग जो हैं अनेक भागों के, हमारे देश के अन्य भाग, भिन्न भिन्न भागों के लोग अनेक तरह के उनके भोजन हैं, अनेक प्रकार के खान पान और अनेक तरह के प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करते हैं। द टाइप ऑफ द फूड ईटन बाई पीपुल डिपेंड्स अपॉन द लैंडफॉल, क्लाइमेट एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन द रीजन ऑन लाइफ। तो द टाइप ऑफ द फूड ईटन बाई पीपुल, भोजन के प्रकार, ऐसे अनेक प्रकार के जो व्यंजन हैं, खाने की चीज़ हैं, वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है और लैंडफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि वहाँ की भूमि जिस प्रकार की मिट्टी हो, जलवायु हो, उसी प्रकार का वैसे प्रदेशों में, वैसे क्षेत्रों में उसी प्रकार के पौधे उपजाए जाते हैं, उसी प्रकार के फसल उपजाए जाते हैं। पॉपुलर फूड ग्रैंड्स इन इंडिया, द मेन सेरेल्स और फूड ग्रैंड्स प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री आर। हमारे देश में मुख्य अनाज जो उपज होता है वे हैं राइस, वेट, मेज, ज्वार एंड बाजरा। ये हमारे देश की मुख्य फसल है। इन द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया, ये भारत के उत्तरी राज्य में पीपुल लाइक टू ईट वेट एंड राइस। लोग वहाँ के, उत्तर भारत के लोग, उत्तर भारत के स्टेट के लोग गेहूँ और चावल खाना पसंद करते हैं। इन राजस्थान द मेन फूड ग्रेन्स आर वेट, ज्वार एंड बाजरा। और राजस्थान के लोग जो हैं उनका मुख्य भोजन जो है वेट है, ज्वार है, बाजरा है। राइस इज मोर कॉमनली ईटन इन साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया। चावल भारत के दक्षिणी राज्यों में चावल लोग जो है अधिक खाते हैं। जस्ट लाइक इट इज ईटन इन वेस्ट, जैसे कि वेस्ट में खा के लोग खाते हैं। बंगाल, वेस्ट में बंगाल हुआ, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। इन ईस्टर्न इंडिया एंड एट प्लेसेस नियर द सी राइस इज ईटन अलोंग विद फिश। ईस्टर्न इंडिया, भारत के पूर्वी राज्य के लोग जो कि समुद्र के नज़दीक हैं, वे लोग चावल के साथ मछली खाते हैं। उनका भोजन एक प्रकार का अलग ढंग का है, वे लोग मछली और चावल खाते हैं। बिसाइड फूड ग्रेन्स वी आल्सो ईट पल्सेस, फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट विच आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया।
उसके बावजूद खाने के जो अनाज हैं, जैसे कि हम लोग दाल, सब्जियां, फल फूल, ये हमारे भारत में उपजाया जाता है। पल्सेज लाइक अरहर हुआ, मूंग, उड़द एंड मसूर आर ईटन ऑल ओवर द कंट्री। ये सब दाल हैं जो कि हमारे पूरे देश में खाए जाते हैं। मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। बहुत से फूल फल और सब्जियां जो हैं सालों भर हमारे देशों में उपलब्ध रहती हैं। बट देयर आर सम फ्रूट्स दैट आर अवेलेबल इन ऑल सीजन। मगर कुछ ऐसे फल हैं जो कि हर सीजन में उपलब्ध रहते हैं। वेजिटेबल दैट आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, जो सब्जियां सालों भर हमें मिलती हैं, जैसे कि पोटैटो, ओनियन, टोमेटो, ब्रिंजल, ये हमारे देश में सालों भर ये सब्जी मिलती है चाहे कोई भी मौसम। सम फ्रूट्स लाइक बनाना एंड एप्पल आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। और कुछ ऐसे फल भी हैं जो कि सालों भर हम लोगों के यहाँ पर्याप्त रहता है, जैसा कि बनाना है, एप्पल है। बनाना एप्पल को आप जानते ही हैं। द स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर फेमस फॉर फाइन वेराइटीज ऑफ एप्पल। जम्मू कश्मीर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये एक राज्य है, जिस तरह से हम लोग का बिहार राज्य, उसी प्रकार से एक जम्मू कश्मीर एक राज्य है और हिमाचल प्रदेश भी है, जो कि सबसे बहुत प्रकार के अच्छे एप्पल के लिए प्रसिद्ध माना गया है। स्पाइसेज मसाले जो हम लोग अपने भोजन में उसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, भोजन में अगर मसाले नहीं पड़ते हैं तो आपका भोजन जो है स्वादिष्ट नहीं हो पाएगा, आपको अच्छे नहीं लगेंगे। तो उन्हीं मसाले के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। स्पाइसेज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फूड प्रिपरेशन। तो स्पाइसेज मसाले जो होते हैं भोजन तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। दे एड अरोमा एंड टेस्ट टू आवर फूड। तो ये हमारे भोजन के स्वाद को बढ़ाता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। बताइए, ये पूरे दुनिया में भारत का एक सबसे बड़ा ये देश हम लोग का है जो कि मसाला की उपज करता है। द मेन टाइप ऑफ स्पाइसेस यूज फॉर कुकिंग इन इंडिया। जो भारत में मसाले हमारे भोजन में जो प्रयोग किए जाते हैं वे हैं, चिली हैं, ब्लैक पेपर हैं, टर्मरिक हैं, क्लोव्स हैं, कार्डोमन हैं। इंडिया इंडियन फूड इज लाइक इन मेनी कंट्री ड्यू टू द टेस्ट ऑफ स्पाइसेस। भारतीय भोजन बहुत से दूसरे देशों को यानी विदेशों में भी और हमारे इतने भी अच्छे स्वादिष्ट और टेस्टफुल मसाले हैं कि वे भोजन में जब पड़ जाते हैं तो दुनिया के कोई बहुत से देश के लोग भी उन्हें बहुत ही पसंद करते हैं। इंडियन फूड को बहुत से पसंद करते हैं। स्वीट्स एंड फ्रूट्स। स्वीट्स मिठाइयाँ और फल। स्वीट्स प्रोवाइड
डिलीशियस एडिशंस टू आवर मील्स, स्वीट्स व मिठाइयाँ हमारे भोजन में कुछ ऐसे जुड़ जाते हैं, कुछ भोजन के कुछ ऐसे अंग हैं ये, शुगर घी एंड मिल्क आर यूज फॉर मेकिंग स्वीट, मिठाइयों को बनाने में शुगर यानी चीनी, घी और मिल्क जो है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ए वैरायटी ऑफ स्वीट्स आर प्रिपेयर इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, तो भारत के भिन्न भिन्न भागों के भिन्न भिन्न राज्यों के अपना अपना कुछ फेमस मिठाइयाँ प्रसिद्ध होती हैं, फेमस होती हैं, वे जगहों पर अपने अपने जगह के अपने अपने राज्यों के प्रमुख मिठाइयाँ लोग जो हैं अपना तैयार करते हैं, जो कि काफ़ी उनके लिए चाहे अन्य दूसरों के लिए टेस्टफुल होते हैं। सम डिशेज आर प्रिपेयर ऑन स्पेशल डेज लाइक फेस्टिवल एंड वेडिंग, कुछ ऐसे भोजन तैयार किए जाते हैं जैसे कि आपकी शादी पार्टी हो, कोई पर्व त्यौहार हो, तो उसमें जो है कुछ अनेक प्रकार के व्यंजन भी तैयार होते हैं। वी शुड नॉट ईट ओवर कुक और वेरी स्पाइसी फूड, हम लोगों को ज़्यादा पका हुआ भोजन और ज़्यादा मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए, क्यों कि वी मस्ट ईट ऑल टाइप ऑफ फूड एंड प्रेफर ए बैलेंस्ड डाइट, इसलिए कि अगर उस प्रकार के हम लोग ज़्यादा पका हुआ भोजन स्पाइसी फूड अगर खाते हैं तो हमारे डाइजेशन की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी हो सकती है और आपकी सेहत पे भी असर पड़ सकता है। तो हम लोगों को जो अनेक प्रकार के सभी प्रकार के भोजन करते हैं वो बैलेंस्ड डाइट प्रेफर करता है, उसका बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड सॉइल एवरी पार्ट ऑफ इंडिया इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ फूड, भिन्न भिन्न प्रकार के जलवायु, अनेक प्रकार के जो मौसम हैं, मिट्टी हैं हमारे देश की, वो अनेक प्रकार की फसलें उसमें प्रोड्यूस नहीं हो सकती, उत्पन्न नहीं हो सकती। ए गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया मेक इट पॉसिबल, तो एक ट्रांसपोर्ट का ऐसा साधन है जो कि सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भारत में ला करके उसको संभव कर देता है। भारत के अन्य स्टेटों में, अन्य जगहों में ले जाता है, जो चीज़ हमें यहाँ उपजती नहीं है दूसरे स्टेट से आकर के मेरे यहाँ मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है। फॉर अस टू सेंड फॉर इंग्रेडिएंट्स टू एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, थिंग्स कैन टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय ट्रेन, और ये चीज़ें हम लोगों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक बाई ट्रेन, बाई बस, ट्रक, शिप्स एंड बोट्स और एरोप्लेन के माध्यम से हमें वो पर्याप्त हो जाता है। दस वी कैन इंजॉय कोकोनट वाटर इन दिल्ली एंड इंजॉय एप्पल्स इन तमिलनाडु, इस प्रकार से हम लोग कोकोनट वाटर जो होता है दिल्ली में, नारियल जिसको कि हम लोग हिंदी में डॉग बोलते हैं, वो बड़े बड़े शहरों में सिटी में मिलता है, जिसको कि लोग पीते हैं एंड इंजॉय एप्पल्स इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में एप्पल खाते हैं इंजॉय करने के लिए। एट प्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ फूड आर अवेलेबल इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, तो आजकल
भारत में हम लोगों को देश में प्रत्येक भागों में हर प्रकार के भोजन, हर प्रकार के खाद्य सामग्री उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर द रिच वैरायटी ऑफ मैंगोज। उत्तर प्रदेश स्टेट जो है, आप लोग जानते हैं कि ये बहुत ही अनेक प्रकार के आम उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए वो बहुत फेमस है आम के मामले में। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागपुर इन महाराष्ट्र इज फेमस फॉर इट्स ऑरेंज। नागपुर और महाराष्ट्र में, नागपुर है, महाराष्ट्र जो है ये ऑरेंज के लिए फेमस है, यानी संतरा। इन बिग सिटीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज फॉर कीपिंग देम फ्रेश। बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे कोल्ड स्टोर बना हुआ है, उस कोल्ड के स्टोर के अंदर फल सब्जियां कुछ दिनों तक सुरक्षित रखे जाते हैं, जो कि हमेशा फ्रेश रहते हैं। ऑयल, बटर ऑयल और वेजिटेबल ऑयल इज आल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग फूड इन आवर कंट्री। बटर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो है हमारे देशों में भोजन बनाने के काम में आते हैं। देर आर मेनी टाइप ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल प्रोड्यूस इन इंडिया। हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में बहुत प्रकार के वेजिटेबल ऑयल उत्पन्न किए जाते हैं। सम ऑफ देम आर कोकोनट ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड सेसम ऑयल, सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ETC। इतने ऑयल जो हैं ये सभी हमारे देश में उत्पन्न किए जाते हैं। घी विज प्रोड्यूस्ड बटर, और घी को आप लोग जानते हैं मक्खन से निकाला जाता है, दही से निकाला जाता है, वे दूध से तैयार किया जाता है। इन नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया, उत्तरी राज्य में, भारत के उत्तरी राज्य में मस्टर्ड ऑयल एंड घी आर कॉमनली यूज फॉर कुकिंग। घी हुआ, मस्टर्ड ऑयल हुए, ये सब जो है भोजन बनाने के काम में प्रयोग किए जाते हैं। इन गुजरात से सेसम ऑयल इज वेरी पॉपुलर। गुजरात में सेसम ऑयल जो होता है बहुत ही लोकप्रिय है। इन साउथर्न स्टेट पीपुल लाइक टू कुक फूड इन कोकोनट ऑयल। और दक्षिणी भाग में, दक्षिणी राज्य में, भारत के दक्षिणी राज्य के लोग जो हैं कोकोनट ऑयल अधिक पसंद करते हैं, ग्राउंड नट ऑयल पसंद करते हैं। चिल्ड्रेन आर वेरी फॉन्ड ऑफ बटर, और वहाँ के बच्चे जो हैं मक्खन खाने के लिए, दही खाने के लिए बहुत ही शौकीन होते हैं। सम पीपल इन आवर कंट्री लाइक टू ईट मीट। हमारे देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मीट खाना पसंद करते हैं, चिकन खाना पसंद करते हैं, फिश खाना पसंद करते हैं एंड एग्स, दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। तो वैसे लोगों को नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल ईट फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट। और अधिकांश लोग जो हैं फूड ग्रेन्स जैसे अनाज हुए, सब्जियां हुए, फल हुए और दूध से बने हुए प्रोडक्ट का भी यूज करते हैं। दे आर वेजिटेरियन, तो वैसे लोग को वेजिटेरियन कहा जाता है, जिनको कि मांस मछली से मतलब नहीं होता है, वे केवल सब्जी ही खाते हैं। द मिल्क प्रोडक्ट इंक्लूड कर्ड, चीज, बटर। जैसे मिल्क से आपको दही, पनीर, मक्खन ये सब तैयार किए जाते हैं। तो आज इस लेसन में इतना ही, और अगला पेज अगले दिन होगा, तब तक के लिए थैंक यू।